माय यूट्यूब चैनल बनी कल्चर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं बर्फ का मनोरंजन और बर्फ में कैसे लोग बैठते हैं, कैसे जो लड़के होते हैं वो तंग आ जाते हैं घर में बैठ के और कैसे इकट्ठे कस के कैसे बैठते हैं। तो इस वीडियो में आपको सब दिखाएंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ, देखते रहिए वीडियो। ये देखिए, ये जो मक्खी होती है उसके बीज जो होते हैं उनको कराठी में गर्म करके तो उनको भून के बना रहे हैं और जो खा रहे हैं। देखो देखो क्या चीज बनती है ये। देखो ग्रुप में 5-7 आदमी इकट्ठे होके कैसे बैठे हैं, ये देखो कैसे लड़ रहे हैं, ये खाने के लिए कैसे एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। ये बहुत देखो वो कराठी ले गया वो देखो कैसे क्या कर रहे हैं। देखो गाइस कैसे खा रहे हैं, देख देख सकते हो आप। ये देखो भाई थोड़ा दे दो यार, हमें तो खजल कर दिया यार। ये खड़े होते हैं मिट्टू को पहले खाने की बड़ी हुई है पहले क्या चीज थी और देखो अब क्या बन गया है, देख सकते हो आप। और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका, बहुत ही ज्यादा बहुत ही बढ़िया टेस्ट है ये। खाने में इतनी ज्यादा अच्छी है, एक बार आप खाओगे तो बार बार मांगोगे, बार बार बोलोगे हम यही चीज खाएंगे, एक बार आप ये ट्राई करके देखो। ओके थैंक यू जी। आइए आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। यह है चांदल के ऊपर, यानी कि बनी के पीछे 15 किलोमीटर और उनके उससे ऊपर है थोड़ा, 10-15 मिनट लगते हैं ऊपर चढ़ने को। तो वहाँ की जगह ये यहाँ बाड़ी दुलान कहते हैं। तो आइए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा व्यूज़ देखने को मिल रहा है। ये देखो ज़मीन पे पूरी वाइट चादर बिछाई हुई है, देखो कहते हैं ये है राज जी। तो आइए इनसे बात करके पूछते हैं हम के बर्फ के किन्नी पड़ी हुई है। तो राजी स्वागत है हमारे चैनल पे बनी कल्चर। जी सर थैंक यू। तो सर अभी यहाँ पे बर्फ कितनी पड़ी हुई है? सर इधर तो अप्रॉक्सीमेटली मतलब नॉर्मल देख लो आप तो 1.5 फुट तक तो होगी है नॉर्मल। जी सर 1.5 फुट तक इधर पड़ी है और ऊपर ऊपर तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। बट इधर जहाँ हम रह रहे हैं अभी देख सकते हो आप, ये देखो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, लाइव दिखाने वाले हैं, ये देख सकते हो आप। ये देखो बूटे के ऊपरी देख लो कितनी बर्फ पड़ी हुई है, नीचे तो फिर आप मतलब कि छोड़ नहीं सकते। और ये देखो इसको उठाने का तरीका, इधर भाई एक मिनट इधर आना, इधर आ जाओ सर, एक मिनट इधर आ जाओ आगे इधर। आप इससे क्या करते हो भाई? कोठे से मतलब बर्फ उठाई और ये फेंकती नीचे, ऐसे फेंकते नीचे। तो राजी अगर मतलब बर्फ पड़ी हुई है जैसे अभी पड़ी हुई है तो राशन पानी का कैसे आप वो करते हैं पैक? ये हम देखो मतलब कि पहले ही हमें तो पता होता है कि हाँ बर्फ पड़नी है इस टाइम में जी। और बर्फ पड़ती भी है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, इसलिए हम सब कुछ इसका पहले से ही मतलब कि पूरा इसका जो भी हमें चाहिए होता है उसका हम पहले ही बंदोबस्त करके रखते हैं कि कब बर्फ पड़नी है। ये तो हमें पता लग जाता है कि ये वाली जो मंथ है, ये जो मतलब जनवरी फरवरी में जनवरी फरवरी आ गया इसमें मतलब बर्फ पड़ती है इधर। तो लकड़ियाँ लुकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं क्योंकि हमें आग जलाना पड़ती है, आग के बिना हमारा कोई चारा नहीं है ना। हम सिलेंडर वगैरह यूज करते हैं बट वो गर्मी में आ गए, ऐसे तो हम मतलब आग के साथ ही सब कुछ काम करते हैं मतलब। तो अभी अगर जैसे फोन शून करना हो, चार्ज चूर्ज करना हो, लाइट लूट आती है? लाइट का बहुत बड़ा इशू है इधर, मतलब कि थोड़ी सी बर्फ पड़ी नहीं तो लाइट बिल्कुल हमारे बंद हो जाती है। इसके लिए हमें थोड़ा मतलब कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए भी मतलब कि बोलते हैं कि थोड़ा इसकी तरफ ध्यान दें। ये देखो इतनी हसीन वादी है हमारी बनी, देख सकते हो कितनी हसीन वादी है। ये कश्मीर से कम है क्या? कश्मीर आगे जन्नत है तो ये भी जन्नत है, ये भी हमारी। ठंड
देखो भाई, ठंड देखो, देखो भाई बहुत अच्छा नजारा है। देखो ये देख सकते हैं बर्फ, इसको खाते हैं भैया, ये देखो खा भी सकते हैं आप। Yeah.